बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है बेसिकली आर्किटेक्चुरल पोस्ट प्रोडक्शन, स्पेसिफिकली फोटो मैनिपुलेशन पे। आर्किटेक्चुरल पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर मैं मज़ीद वीडियोस भी बनाऊंगा क्योंकि इट्स अ वेरी इंटेंस टॉपिक जो कि एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन कंप्राइज ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स जिसको मैं ग्रेजुअली विद द टाइम कवर अप कर रहा हूँ। सो राइट नाउ द टॉपिक इज जिस पर भी मैं बात करूंगा, जिस पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा सारी की सारी, दैट इज फोटो मैनिपुलेशन, अ वेरी यूजफुल टेक्निक जिसमें आप ये इमेज मेरे सामने खुला हुआ है, अगर आप गौर करें तो दिस इज अ वेरी रॉ रेंडर जिसके ऊपर मैंने, अगर मैं आपको इसका मॉडल दिखाऊं तो ये मॉडल सारा मैंने मैक्स के अंदर ही बनाया है, 3ds Max में ऑटोकैड की ड्राइंग के थ्रू। सारा मॉडल रेडी कर लेने के बाद टेक्सचर्स इसके ऊपर अप्लाई किए हैं और उसके बाद इसके ऊपर डिफरेंट लाइट सोर्सेस लगाई हैं, बेसिकली दीज टू लाइट्स जो कि वेरी बेसिक वीरे सन मैंने इसके ऊपर अप्लाई किए, क्योंकि मुझे क्लाइंट की तरफ से अवेलेबल था इसके साइट के इमेजेस। दिस इज द प्रीवियस हाउस जो कि वहाँ पे अभी साइट पे एक्चुअली बना हुआ है, इसकी रेनोवेशन है। सो व्हाट क्लाइंट डिमांडेड फ्रॉम मी, इसके मैं एक रेंडर ऐसा करूँगा जो कि मैं साइट के इमेज के अंदर इसको जो ओरिजिनल इमेजेस के अंदर प्लेस करके अल्टीमेटली जो कि घर का ऑनर उसको दिखाया जा सके। सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक कि आप अगर साइट की पिक्चर ले लें विद अ गुड लाइट एंगल एंड अ गुड स्टैंडिंग पोजिशन, तो आप एज इट इज उसके ऊपर अपना घर का रेंडर करके तो उसके अंदर लगा सकते हैं। सो विद वेरी बेसिक रेंडरिंग सेटिंग्स जो कि मैं इनिशियली भी आपको बताता रहा हूँ, पिछले ट्यूटोरियल आप देखें तो उसके अंदर आपको मिलेगा सारा कुछ। सेम सेटिंग्स के साथ मैंने हर चीज़ कर करा के तो इसको जो फाइनल रेंडर किया है दैट इज दिस वन। इसकी जो लाइट का एंगल है वो अगर आप गौर करें, मैंने इस जो साइड का इमेज है उसके अकॉर्डिंगली रखा है, समवेयर फ्रॉम द राइट डाउन साइड से इसको मैंने घर के ऊपर प्रोजेक्ट किया है लाइट को। कलर डिफरेंट है, दैट कैन बी एडजस्टेड लेटर ऑन इन द पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। इसकी जो फाइनल PSD जो मैंने बनाई हुई है वो ये है, इट हैज सम सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव इशू जिसको अभी हम इस नए वाले पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर क्लियर भी करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में आपको नई टेक्निक्स भी कुछ सीखने को मिलेंगी फोटोशॉप के अंदर, होपफुली आपको फायदा होगा इस चीज़ से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आफ्टर रेंडरिंग द फाइनल इमेज जो कि इस फॉर्म में, ये मैंने पिक्चर फोटोशॉप के अंदर खोली हुई है, तो इसके अंदर बेसिकली हम कुछ ट्वीक्स वाले करेंगे। अभी अगर आप देखें तो पिक्चर 3 पॉइंट परस्पेक्टिव में है, सो इसका जो मैंने रेंडर लिया है दैट इज प्योरली इन 2 पॉइंट परस्पेक्टिव। तो पिक्चर को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, कंट्रोल आर अगर आप प्रेस करें तो ये स्केल्स आपको साइड पे मिलेंगे फोटोशॉप के अंदर। तो जैसे ही मैं मूव टूल ऑन करता हूँ तो स्केल, ये जो वर्टिकल स्केल है इसके अंदर से क्लिक करके मैं लेके आता हूँ तो एक गाइड मेरे पास आ जाती है जो कि इस कलर में हमारे पास फोटोशॉप में अवेलेबल होती है। सो बेसिकली व्हाट दिस गाइड डज के आपको अलाइनमेंट नज़र आ रही होगी इस घर की, मैं इसको यहाँ पे इसके किसी एच पर रख देता हूँ, एक गाइड में निकाल के इस एच पर रख देता हूँ ताकि मुझे वर्टिकलिटी का क्लियरली पता लगता रहे, एक इस एच पर रख देता हूँ, एक इस एच पर रख देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है लेकिन, और यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ है तो इसको हम अभी क्लियर आउट करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड एयर की कॉपी बना के इसमें से एक लेयर कॉपी बना ले ताकि बैकग्राउंड लेयर आपके पास जो ओरिजिनल लेयर है बस ओरिजिनल हालत में आपके पास सेफ रहे। सो बाय प्रेसिंग कंट्रोल टी यू विल हैव द स्केल मेन्यू ऑन ऑन द पिक्चर। तो मैं इस पॉइंट को स्क्यू, इसको कहते हैं फोटोशॉप की लैंग्वेज में, इस वाले वर्टेक्स को या इस पॉइंट को स्क्यू के थ्रू एडजस्ट करूंगा। वो करूंगा किस तरह से कि आप कंट्रोल प्रेस करें और लेफ्ट क्लिक माउस का जैसे मैं करूंगा, सो आप देखें कि अब वो जिस तरह का मुझे चाहिए कुछ उस हालत में जाना शुरू हो गया, लेकिन जैसे मैंने इसको स्क्यू किया तो ये और ज़्यादा इधर आ गया। तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं नीचे से पकड़ के इसको एडजस्ट कर लूँ इस तरह से जो कि ज़्यादा रीजनेबल फॉर्म है,
अगर ऊपर से करूंगा तो मुझे यहाँ से फिर से छेड़ना पड़ेगा, इसलिए ऊपर से बड़ा हल्का सा करें, माइनर से, नीचे से ज़्यादा करें, क्योंकि दैट इज़ द रीजनेबल कंडीशन। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ जाए। ओके, दिस सेम्स नाउ, इतना थोड़ा सा ग्लिच अगर अभी जाए तो उसकी खैर है। इसको एंटर करें, बैकग्राउंड लेयर ऑफ करें, तो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा कि जितना खाली पार्ट आ रहा है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप जो अभी मेन लेयर है इसको कंट्रोल टी दबा के स्केल अप कर लें ताकि वो जो एजेस हैं वो फिल अप हो जाए, बैकग्राउंड लेयर आपको नज़र आ रही हो। सो गाइड्स को मैं अभी ख़त्म करता हूँ, वापस उसी बार के अंदर जाके छोड़ देता हूँ, तो गाइड्स बेसिकली से गायब हो जाती हैं। सो आप देखेंगे 2 पॉइंट परस्पेक्टिव बड़ा क्लियर है हमारे सामने, तो ये एडजस्टमेंट हमने कर ली है जो कि आपको बेसिक पिक्चर में करनी पड़ती है। अब मैं अपना रेंडर यहाँ से उठाता हूँ, इसको मैं लेके जाता हूँ इस पिक्चर के अंदर। सो बेसिकली मैंने इसके अंदर जो था अल्फा चैनल के साथ रेंडर किए थे, टिफ में सेव करने से अल्फा चैनल भी आपके पास आ जाता है, तो मैं कंट्रोल दबा के इस अल्फा चैनल्स वाली लेयर से आऊँगा, चैनल्स पे कंट्रोल दबा के अल्फा के स्क्वायर पे क्लिक करूँगा इसके थंबनेल पे। ये करता क्या है कि इसकी जो जो मास्किंग जो वाइट एरिया है, मास्कड एरिया है, उसकी उसको सेलेक्ट कर लेता है। इस तरह से मुझे स्काई रिमूव नहीं करना पड़ेगा, इस तरह सिलेक्शन बहुत आसान हो जाती है। कंट्रोल इधर वापस आता हूँ लेयर्स में, कंट्रोल सी, मेक श्योर कि ये सिलेक्टेड हो, वापस आए पिक्चर के अंदर, वहाँ पे आके कंट्रोल वी दबा दें। इट्स अ सिंपल कॉपी पेस्ट मेथड। सो ये मेरे पास अब आ गया। तो अब मैं सबसे पहले तो जी मैन्युअली घर को मूव करके एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हम रेंडर को प्लेस कर रहे हैं पिक्चर के अंदर, कैमरा मूवमेंट मैंने मैक्स के अंदर मूव कर करके एडजस्ट कर करके तो फिर मैंने इसके अकॉर्डिंगली किया है। अभी ये तो डिफरेंट शुरू के कैमराज हैं, तो ये कैमरा था, इसको मैंने एक साइड पे रेंडर लेके, टेस्ट रेंडर ले लेके, तो किसी हद तक इसके साथ बिठा के बाद में इसके ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन की है इस तरह से। तो ये रेंडर तो मेरे पास आ गया, तो अब मैं इसको इसके अंदर ओपेसिटीज की सबसे पहले कम करूंगा ताकि मैं बैकग्राउंड से देख सकूं कि जो नीचे ग्राउंड है ये कहाँ पे आ रहा है। ग्राउंड के लिए मैं एक गाइड गिरा लेता हूँ ऊपर से। अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो यहाँ पे करके ग्राउंड आ रहा है, तो मैं अब करूँगा क्या कि घर का जो ग्राउंड, इसके अगर मैं ओपेसिटी बढ़ा लूँ तो ये इसका ग्राउंड बन रहा है, तो मैं यहाँ पे इसके साथ इसको प्लेस कर देता हूँ। इस साइड से मैं इसको कवर कर लेता हूँ। अगेन वही बात, ये परफेक्ट होना लाजमी नहीं है। अच्छा, अब मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि घर ज़्यादा बड़ा या छोटा ना हो रहा, तो यहाँ से एग्जेजरेट हुआ हुआ है इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये बाउंड्री वॉल मेरे लिए रेफरेंस बनी हुई है, तो इसके थ्रू मैं इसका स्केल सेट कर सकता हूँ। ठीक है जी, इधर से भी थोड़ा सा मुझे स्केल डाउन करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। ये जो लाइन है घर की बाउंड्री एज, ये भी मेरे लिए एक रेफरेंस है। अच्छा, इसको मैन्युअली एडजस्ट कर लें जितना आप कर सकें, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल परफेक्टली इसके ऊपर बैठे। तो यहाँ पे मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब जो अगली ट्वीक्स हैं वो मैं करूँगा मैन्युअली, जितना मैं एडजस्ट कर सकता था मैंने कर लिया, इससे ज़्यादा हो नहीं रहा अभी। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे लॉक करके इसकी ओपेसिटी फुल करता हूँ। सबसे पहले तो मैं गार्ड ख़त्म करूँगा यहाँ से, उसके बाद सिलेक्शन लेके जो प्लेन आ रहा है ये वाला, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ बाय सिलेक्टिंग ऑल दिस। मैं इसको ख़त्म इस तरह से करूँगा कि मास्किंग की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है जी, अभी ये यहाँ पे मेरे पास सेट हो चुका है। अब मैं फर्दर इसको इरेज नहीं करूंगा, मैं फोटोशॉप के अंदर इरेज टूल यूज़ नहीं करता, मैं मास्किंग टूल यूज़ करता हूँ। आप देखें जैसे मैंने सिलेक्शन ली थी तो यहाँ पे मास्किंग का बटन दबाया तो उसको मैंने ब्लैक के थ्रू मास्किंग कर लिया। मैं लेयर मास्क ही पकड़ के रखूंगा, ब्रश टूल ऑन करूंगा, ठीक है, इसका मेक श्योर कि अपर पैलेट में ब्लैक सिलेक्टेड हो, ओपेसिटी फुल करूंगा 100, और इसको मैं ब्रश साइज थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी तो मैं मैन्युअली मास्क कर रहा हूँ रफली, तो
ताकि बाद में मैं फिर इसको एडजस्ट कर सकूंगा अपने इमेज के अकॉर्डिंगली। अब देखिए फोरग्राउंड में घर के आगे ये पौधे हैं, गाड़ियां हैं, ये तो ऑब्वियसली नजर आएंगी आगे, इसलिए ये शेड है, पार्किंग शेड है, ये भी नजर आएगा। तो इनको तो अभी मैं रफली मास्किंग पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ से भी मैं मास्किंग करूंगा क्योंकि घर का एज बिल्कुल क्लियरली नजर नहीं आना चाहिए। इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा मास्क करूँ क्योंकि यहाँ पे भी एक पार्किंग शेड ऊपर आ रहा है। सो अभी बेसिकली मैंने किया गया कि यहाँ पे एक रफ मास्किंग कर ली है। अब मैं इसको प्रिसाइज मास्किंग करूंगा बाय गोइंग बाय जूमिंग इन और रिड्यूसिंग द ब्रश साइज। और यहाँ पे ये एक रेड आ रहा है, इसको भी मैं कर लेता हूँ, सॉरी, ये आउटडोर एसी का यूनिट है, इसको भी मैं कर लेता हूँ। अब मैं करूंगा क्या, एक्सप्रेस करूंगा या फिर इसको रिवर्स करूंगा, ब्रश साइज छोटा करता हूँ, इसे अनमास्किंग बेसिकली हो रही है। सो नाउ यू हैव दिस आइडिया कि मैं क्यों इरेज टूल यूज नहीं करता। अगर मैं इरेजर से इरेज करता तो मैं वापस इसको ला नहीं सकता था, या फ्यूचर में अगर मैंने कोई एडिटिंग करनी है तो मैं नहीं कर सकता था क्योंकि वो फिर वन टाइम सोल्यूशन है। मास्किंग इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस, इसको मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ इसके ऊपर क्योंकि मैं ये ट्यूटोरियल के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जस्ट टू गिव यू गाइज एन आइडिया कि किस तरह से मैन फोटो मैनिपुलेशन चलती है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो तो बी वेरी प्रिसाइज वाइल डूइंग दिस प्रोसेस। जितना प्रिसाइज रहेंगे उतना ही ये क्लियर होकर आपके सामने आएगा। ठीक है, जहाँ पे ब्रश साइज बढ़ सकता है वहाँ पे बढ़ा लें। जस्ट टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन दिस एजेस, वेरी नियर टू एजेस, ब्रश साइज आप छोटा कर लें, बाकी आप इसको एज इट इज जाने दें क्योंकि दूर से पता भी नहीं चलता इस तरह की गलतियों का। ठीक है जी, पौधों के पास आप आके कोशिशें करें क्योंकि आप इस पे मैन्युअली अगर करेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे लगेगा, तो मैं भी करूँगा ये कि फ़िलहाल तो मैं इनको क्विकली यहाँ से गुजार रहा हूँ। इसके बाद मैं ओपेसिटी के साथ प्ले करके इसको क्लियर आउट करूँगा। इसको मैं पूरा नहीं कर रहा क्योंकि नीचे से रफ एजेस मुझे चाहिए, वो मैं बताता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा दूर से देखूंगा तो आप यहाँ से देखेंगे कि बिल्डिंग साथ बैठी हुई पता लग रही है। अगर मैं इसको क्लियर कट एज दे देता हूँ तो वो बड़ी उसका रिलेशन जमीन के साथ बिल्कुल भी नहीं बना था। ये कुछ एरिया रहेगा, इसको भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब ये जो पार्ट है इसके अंदर से भी ब्रश साइज में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। बाय प्रेसिंग शिफ्ट इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में भी कर सकता हूँ जहाँ पे मैं अगला माउस रखूँगा। तो जो आपको बेसिक मकसद था बताने का वो मेरा यहाँ पे पूरा हो रहा है। अब मैं इस एरिया में यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ मास्किंग के थ्रू ही। अच्छा सॉरी, ये ऊपर पार्किंग शेड है, ये जरूरी है। ठीक है जी, अब ये जो पीछे पार्ट्स आ रहे हैं इनको किस तरह से रिजॉल्व करना है मैं वो आपको बताता हूँ। बेसिक हमने मास्किंग कर ली है जो कि अभी सही लग रहा है कि काफी ठीक भी है, इसमें कोई इशू लग नहीं रहा। लेकिन जो अपर पार्ट्स हैं इनको क्या करना है कि बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करें, स्टैम्प टूल पकड़ें, उसको स्टैम्प के थ्रू स्टैम्पिंग के थ्रू इसको वाइप कर दें। दिस इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक जो मैं भी काफ़ी अर्से से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। बेस्ट ही कम करें ताकि जो शार्प एजेस आपको नज़र आ रहे हैं ये मर्ज हो सके उसके साथ। ठीक है जी, सो नाउ आई हैव रिजॉल्व्ड द अपर पार्ट एज वेल। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा रह गया, इसको भी कर लेते हैं बाय अगेन गोइंग इन टू द स्टैम्प टूल। ओपेसिटी बढ़ा लेता हूँ, इस पार्ट को पकड़ता हूँ, इसको यहाँ पे स्टैम्प करवा देता हूँ। सो गाइज, मेरा जो मॉडल है वो परफेक्टली बैठ गया साइड के ऊपर।
ठीक है, द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज टू कलर करेक्ट द इमेज ताकि इस इमेज का पार्ट भी लगे, रियल पिक्चर का पार्ट भी लगे। अभी लग रहा है लेकिन एक्सपोजर कंट्रास्ट वगैरह का थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि अभी रिजॉल्व करना जरूरी है। समय से इमेज को पकड़ूंगा, एडजस्टमेंट के अंदर आऊंगा, यहाँ से मैं लेवल्स या कर्व टूल के थ्रू लेवल का टूल पकड़ता हूँ, इसको मैं लॉक डाउन करता हूँ इस लेयर के ऊपर, सॉरी, बाय प्रेसिंग ऑल्ट। तो अब मैं इसका थोड़ा सा लेवल अपग्रेड कर देता हूँ, ठीक है जी। तो वो अभी से ही उसका पार्ट लगना शुरू हो गया है। थोड़ा सा कलर बैलेंस टू मेक इट लिटिल येलो टू मैच विद द कलर थीम ऑफ द ओरिजिनल इमेज, येलो की तरफ लेके आता हूँ, अ लिटिल बिट येलो एंड अ लिटिल बिट ऑफ रेड, नॉट टू मच, ठीक है जी। तो अब ये इसका पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली लग रहा है। अगर आप और भी ज़्यादा प्रिसाइज होंगे तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत ग्लिचेस नज़र आ रहे हैं वो आप क्लियर आउट कर सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट अ बिग डील, बेसिक टेक्निक्स पता होनी चाहिए। अब अगर आप देखें तो इमेज के अंदर थोड़ी ब्लरीनेस है, थोड़ी फॉगी फॉगी सी फील है। तो मैं क्या करता हूँ कि जी एक नई लेयर पकड़ता हूँ, ब्रश टूल पकड़ता हूँ और यहाँ पे थोड़ा वाइट कलर पिकर टूल से ये वाली कलर टोन पकड़ता हूँ, ब्रश टूल ऑन, साइज बड़ा करता हूँ ब्रश का, ओपेसिटी कम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा कम क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉगी फॉगी फील नहीं है। तो मैं कहीं कहीं पे हल्की हल्की अपर पार्ट्स पे ब्रशिंग कर लेता हूँ, ठीक है जी, ताकि इमेज मज़ीद हमारे पिक्चर का पार्ट लगे। सो अगर आप देखें ये हमारा इमेज था ओरिजिनल साइड पिक्चर, हमने इसके ऊपर रिप्लेस कर दी अपना रेंडर जो कि अब उसका पार्ट लग भी रहा है, लिटिल बिट ऑफ मोर आई थिंक ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में भी। तो इस तरह से हम एक पिक्चर को यूज कर सकते हैं अपनी रेंडरिंग के लिए। अब आप देखें इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा है कि एनवायरनमेंट पे काम ही नहीं करना पड़ता, आप बेसिक अपना मॉडल बस इस तरह से बनाएं, इस तरह से मॉडल बस बनाएं, पूरे का पूरा डिटेल्ड मॉडल बनाएं, ठीक है, उसके बाद उसका रेंडर लें इस तरह से, टिफ में सेव करें उसको, पिक्चर के अंदर ला के थोड़ी सी यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त इमेज रेडी हो जाता है। और ये टेक्निक बल्कि बहुत अच्छी इसलिए भी क्योंकि क्लाइंट को एग्जैक्टली आइडिया हो जाता है कि उसका घर बन के लगेगा किस तरह से, क्योंकि जो हम रेंडरिंग्स आमतौर पर करते हैं वो बड़ी फेक होती हैं क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट भी फेक होता है, टोटली फेक। रेंडरिंग इटसेल्फ बड़ी मज़ेदार खूबसूरत होती है लेकिन इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। सो रेंडर्स लाइक दीज आर वेरी ट्रिगरिंग फॉर अ क्लाइंट, आपके लिए भी इसमें टाइम, अब देखें रेंडर मॉडल करने में सिर्फ मुझे टाइम लगा, उसके बाद रेंडर में कोई टाइम नहीं लगा, पोस्ट प्रोडक्शन में हार्डली 10 से 15 मिनट भी नहीं मुझे टोटल लगे और मैंने इमेज रेडी कर लिया। सो इस तरह से हम अपना काम चला सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मैं थोड़ा सा रोड इसमें से क्रॉप कर लेता हूँ, रोड बहुत ज़्यादा, ये रोड ऑब्जेक्ट मेन हमारा मकसद नहीं है, कर्व थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ, ज़्यादा लग रहा। तो जी ये हमारा इमेज हो गया जी रेडी। कोई सवाल आते हैं, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, मैंने कमेंट्स डिसेबल कर दी अपनी वीडियोस के नीचे क्योंकि मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि आप ईमेल किया करें, मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, दोबारा से कोई भी मसले मसाइल हैं मुझे ईमेल कर दिया करें, मैं आपको वहाँ पर एड्रेस करूँगा इस चीज़ को। सो गाइस काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए सपोर्टिंग है तो सब्सक्राइब लाजमी करें। अगली वीडियो इंशाल्लाह कोरोना पे मेरी आएगी, कोरोना रेंडरिंग, उसकी बेसिक्स कि वो किस तरह से काम करता है। तो रमज़ान से पहले होपफुली इंशाल्लाह मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। सो प्रैक्टिस इट मास्टर इट, जहाँ पे मसला आता है मुझसे पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।